स्वागत है दोस्तों आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। जी हां, आज हो गया 9 अप्रैल 2020 गुरुवार और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में। अपन जानेंगे आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हां, क्या दोस्तों 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक मीटिंग ली गई और उसमें क्या फैसले रहे वो तो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बैंक खाता धारकों के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है और साथ ही दोस्तों लॉकडाउन को अब और भी ज्यादा सख्ती से करने का आदेश दे दिया केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को। तो इसी तरह की बहुत ही सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें निकल कर आ रही है इस वीडियो में, अपन जानेंगे। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट में। तो आप देख पा रहे कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि प्राइवेट लैब में भी फ्री में हो इस बीमारी का टेस्ट। जी हां, सरकारी और प्राइवेट जितने भी लैब्स है ना हमारे देश में, उन सभी में इस बीमारी का टेस्ट यानी कि जांच बिल्कुल फ्री में करानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस तरह का आदेश निर्देश जारी कर दिया और केंद्र सरकार तुरंत ही इस तरह की कार्यवाही शुरू करे, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का, ताकि गरीबों पर इसका कोई असर ना पड़े। अच्छी बात है दोस्तों, मोदी सरकार इसके तहत एक और बड़ा कदम भी उठा चुकी है, आयुष्मान भारत योजना से भी इसको जोड़ा गया। इसका अपडेट में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर आप देख पा रहे कि दोस्तों लॉकडाउन के दौरान इन शहरों में वाहनों के प्रयोग पर सख्ती से रोक लगा दी है, उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जी हां दोस्तों, जहां देश भर में अभी इस बीमारी को लेकर लॉकडाउन लगा हुआ, 14 अप्रैल तक 21 दिन का लॉकडाउन रहेगा, उस दरमियान कर्नाटक राज्य में ऑलरेडी लॉकडाउन के दौरान वाहनों का प्रयोग करने पर रोक लगा दी है, यानी कि कार बाइक मोटरसाइकिल गाड़ी व्हीकल आप नहीं ले जा सकते अभी सड़कों पर, राइट। और अब अहमदाबाद पुलिस ने भी लॉकडाउन के दौरान वाहनों के प्रयोग पर पाबंदी की घोषणा कर दी है और ऐसे में अगर अब भी आप वाहनों का इस्तेमाल करते हो सकता है कि आपके वाहन को जब्त कर लिया जाए, क्योंकि हाल ही में कर्नाटक पुलिस ने 7,000 वाहनों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने के दौरान सीज किया था और इसीलिए सावधान रहिएगा। अच्छा, अगला अपडेट आप देख पा रहे बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, खुशखबरी है। सरकार ने 5 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स रिफंड को तुरंत खाते में जारी करने का आदेश दे दिया। जी हां दोस्तों, अभी जो देश में महामारी बीमारी चल रही है, इस संकट में आम टैक्स पेयर्स और बिजनेसमैन को राहत देते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तुरंत 5 लाख रुपए तक के टैक्स रिफंड को जारी करने का आदेश दे दिया और इस फैसले के तहत दोस्तों 14 लाख टैक्स पेयर को सीधा फायदा होगा। 18,000 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड जारी करेगी सरकार और 14 लाख करदाताओं को फायदा मिलेगा। अच्छी बात है। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे कि 14 या 15 अप्रैल को देश में लगा हुआ ये लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं। तो दरअसल दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक में इशारों में 10 बड़ी बातें कही है, आइए आपको बताते हैं। हो सकता है दोस्तों कि उन बातों को जानने के बाद आप खुद ही उस नतीजे तक पहुंच जाएं कि 14 अप्रैल के बाद देश में लॉकडाउन लागू रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा। आखिर पीएम मोदी ने इसको लेकर क्या कहा, तो ये कुछ 10 पॉइंट आप देख पा रहे। पहला पॉइंट है दोस्तों कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन हटाना संभव नहीं है, ये इनडायरेक्टली पीएम मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है। दूसरा पॉइंट आता दोस्तों कि देश के लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है। तीसरा आता कि मैं लगातार सीएम यानी कि मुख्यमंत्री डीएम यानी कि जिला कलेक्टर्स वगैरह हो गए और एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ कि कोई नहीं कह रहा है कि लॉकडाउन को हटाया जाए। 11 अप्रैल को मैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फिर से बात करूंगा, लॉकडाउन को लेकर अंतिम फैसला उसी के बाद लिया जाएगा, ये कहना है पीएम मोदी जी का। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा और हमें और भी कई सारे कदम उठाने होंगे जिसकी उम्मीद भी नहीं की गई हो। जी हां, अच्छी बात है दोस्तों कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां इतनी बड़ी आबादी के बाद भी ये बीमारी इतनी कंट्रोल में है। तो ऐसे में दोस्तों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन सब बातों का जो मीन्स निकलता है वो यही है कि हो सकता है कि 14 तारीख बाद भी लॉकडाउन लगा रहे। हालांकि अभी तक इसका कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली बयान या अपडेट नहीं आया है। जैसे ही 11 को ये अपडेट आएगा मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर तुरंत बता दूंगा। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा ताकि आपको जैसे ही कोई नया अपडेट का वीडियो में डालूंगा तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, साथ ही दोस्तों मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहूंगा, अगली बड़ी खबरें अपन जानेंगे। बैंक खाता वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है और भी कई सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक प्यार भरी सी छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, दिल से इसे लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो नहीं लगता तो डिसलाइक कीजिए और कारण बताइए मुझे नीचे कमेंट करके, क्योंकि दोस्तों हमारी मेहनत का फल सिर्फ और सिर्फ आपके लाइक या डिसलाइक करने पर ही डिपेंड करता है। खैर, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है ये। मैं आपको बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले चलता हूं अगले अपडेट में। तो देख पा रहे कि देश में लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी के बीच बोले पीएम मोदी की लोगों की जान बचाना ही मेरी प्राथमिकता है और इसके लिए देश में जो पुख्ता कदम उठाने होंगे वो जरूर उठाएंगे। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे कि जून या सितंबर तक जारी रह सकता है लॉकडाउन, कारोबार को उबारने में लगेगा समय, ये कहना है एक रिपोर्ट का। जी हां दोस्तों, देश में जो अभी इस बीमारी का संक्रमण चल रहा है उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 25 मार्च से पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया हुआ, राइट। और लॉकडाउन खत्म होने को लेकर भी कई सारी बातें और चर्चाएं चल रही है। हालांकि मैं आपको कह दूं दोस्तों कि ये भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट और रिसर्चर्स वैज्ञानिकों की एक्सपर्ट्स की स्टडी में सामने आ रहा है कि अगर इस बीमारी पर पूरी तरह से कंट्रोल लगाना है तो फिर एक स्टडी में सामने आया कि सितंबर जून जुलाई तक लॉकडाउन रखना हो सकता है। अब देखते हैं गवर्नमेंट कुल मिलाकर के जो फैसला लेगी वही फाइनल तय रहेगा। मोदी जी इस पर और क्या घोषणा करते हैं मैं आपको बताता।
पाऊंगा। फिलहाल अगला अपडेट देख पा रहा हूँ कि महाराष्ट्र में इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा हो चुकी है। 1135 1150 से भी ज्यादा मामले केवल महाराष्ट्र में हो चुके हैं, जबकि 72 लोगों की जान जाने की खबर केवल महाराष्ट्र से आ रही है। वहीं पूरे भारत में बात करें दोस्तों तो 5200-5300 तक इसके आंकड़े पहुंच चुके हैं। टोटल 149 लोग इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं भारत में, और वहीं 14.5 लाख से भी ज्यादा लोग दुनिया भर में इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 83,000 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ये अभी तक का आंकड़ा जो चल रहा है इसको लेकर है। अच्छा चलिए अगला अपडेट देख पा रहे, मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस की तरफ से एक नई स्कीम निकाली गई है, जिसमें इस बीमारी के पॉजिटिव मरीजों के लिए 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दे रही है रिलायंस। जी हाँ, रिलायंस इंश्योरेंस की तरफ से ये एक पॉलिसी निकाली गई है, और रिलायंस कंपनी की ओर से एक बयान जारी करके कहा गया कि ये पॉलिसी 1 साल के लिए है। पॉलिसी लेने के 15 दिन बाद ही इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO राकेश जैन ने कहा कि हमने इस प्रोडक्ट को इसलिए लॉन्च किया ताकि लोग आर्थिक बोझ से उबर सकें। इसमें 25,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करा सकते हैं। 3 महीने से लेकर 60 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। अच्छा अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि मोदी के लिए 5 मिनट खड़े होने की खबरों को PM ने खुद अफवाह बताया और नाराजगी भी जताई है। मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों कि सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ट्विटर आजकल तो ये टिकटॉक और इन सभी जगहों पर कई सारी फेक न्यूज चलती हैं, अफवाहें चलती हैं, असामाजिक तत्व होते हैं गप मार देते हैं, राइट। इसी तरह की एक और झूठी अफवाह या गप आप जो कुछ भी कह दो वो किसी शरारती तत्व ने मार दिए और कह दिया है कि 5 मिनट तक मोदी के लिए खड़ा रहना। जिस तरह से दोस्तों PM मोदी जी ने दीपक जलाने की थाली ताली बजाने की मुहिम चलाई थी ना, इसी बीच में PM मोदी जी ने खुद ट्वीट करके बताया दोस्तों कि मोदी को विवादों में घसीटने की किसी की खुरापात लगती है, ठीक है, कि 5 मिनट मोदी के लिए खड़ा रहना। हालांकि ये बात बिल्कुल अफवाह झूठ है। फिर दोस्तों PM मोदी जी ने ट्वीट किया कि अगर फिर भी किसी की इतनी इच्छा है कि PM मोदी को सम्मानित करने के लिए इतना करना ही है तो आप खड़े मत रहो, जबकि एक गरीब परिवार की जिम्मेदारी कम से कम तब तक उठाइए जब तक इस बीमारी का संकट हमारे देश में है, तब तक आप किसी केवल ओनली एक फैमिली की जिम्मेदारी उठा के तो देखिए, फिर पता चलेगा आपको, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। ये कहना है PM नरेंद्र मोदी जी का। कितने आदर्श और उच्च विचार बनते हैं, जरा सोचिए, किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से मत देखिए, दिल से लाइक कर दीजिए अभी का भी PM मोदी जी की इसी बात के लिए। इस वीडियो पर एक लाइक बनता है और पहले से कर दिया तो अच्छी बात है। और अगला अपडेट देख पा रहे कि बिहार शरीफ आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा इस बीमारी का इलाज, मरीजों को भी मिलेगी बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, अभी जो देश में यह महामारी की बीमारी चल रही है इसको लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और अब इसका इलाज आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया गया। अब इस योजना का लाभ इससे पीड़ित मरीजों को मिल सकता है, ऐसी मीडिया खबरें चल रही है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगला अपडेट देख पा रहे कि व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग में बड़ा बदलाव हुआ, ग्रुप्स के लिए फायदेमंद फीचर है। तो दरअसल दोस्तों, अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं, 4-5 मेंबर्स हैं, तो आप एक एक क्लिक में अब आप सारों को एक साथ वीडियो कॉल कर पाओगे। कॉन्फ्रेंस में जैसे अपन बातचीत करते हैं ना, उस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो पाएगी, वो भी सिंगल टच पे। तो व्हाट्सएप इस तरह का फीचर भी आपके लिए बहुत जल्द लाने जा रहा है, अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि अब लॉकडाउन में बढ़ेगी और शक्ति, राज्यों को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया गया। जी हां, लॉकडाउन के 15 दिन बीत जाने के बाद भी इसके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसीलिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये स्ट्रिक्ट चेतावनी जारी कर दी दोस्तों की लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाए। वे लोग जो अभी भी इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। और प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि घर से बाहर ना निकलें 14-15 तारीख तक, तो उसके बाद सरकार का और क्या आदेश आता है, निर्देश आता है, उसी के अनुसार हमें फॉलो करना है। चलिए फिलहाल अगला अपडेट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अधिक वायु प्रदूषण वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर भी इस बीमारी का खतरा अधिक है, ये भी वैज्ञानिकों की शोध में सामने आया। जहां तक हो सके आप शुद्ध वातावरण में रहें, गांव के वाले जो इलाके होते हैं ये बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि सस्ता हो गया पेट्रोल डीजल, लेकिन फिर भी खरीदार नहीं है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, गाड़ी व्हीकल वाहन सब कुछ बंद है, तो पेट्रोल डीजल की बिक्री में 40% तक की गिरावट देखी गई है। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रहा दोस्तों कि 3 महीने की कटी हुई EMI भी वापस मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को यह निर्देश दे दिया कि अभी जो देश में संकट की घड़ी चल रही है इस दौरान अगर आपके किसी भी बैंक लोन की 3 EMI जो कट गई है ना रिसेंटली, वो वापस ट्रांसफर हो जाएगी, वापस आपको रिफंड हो जाएगी। ये कदम उठाया भारतीय रिजर्व बैंक ने, सभी बैंकों को यह आदेश दे दिया, यानी कि कुल मिलाकर के आपके जो बैंक की लोन की किस्तें अभी आपने चुकाई अगर मार्च अप्रैल में, तो वो वापस आपको रिटर्न रिफंड हो जाएगी, ठीक है, फिलहाल के लिए, बाकी वापस देनी पड़ेगी आपको लेकिन बिना किसी पेनल्टी के, ठीक है। अच्छा अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि अब दिल्ली में भी घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य हो चुका है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया दोस्तों। जी हाँ, और इसके अलावा भी देख पा रहा हूँ कि दिल्ली सरकार ने सील किए 20 इलाके, बिना मास्क के घर से निकलने पर एक्शन लिया जाएगा। जी हाँ, राजधानी दिल्ली के अंदर 20 ऐसे इलाकों को सील कर दिया पूरी तरह से, जहाँ से ना कोई आदमी बाहर जा सकता ना आ सकता, जहाँ पर इस तरह की मरीजों की संख्या ज्यादा है। और इसके अलावा राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री ने मास्क लगाकर बाहर निकलना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया, अगर नहीं निकलते हैं तो कार्यवाही होगी। और दूसरा फैसला यह लिया गया दोस्तों कि सैलरी के अलावा दिल्ली सरकार का कोई भी सरकारी विभाग खर्च नहीं करेगा, क्योंकि अभी ये पैसा जो है गरीबों की सुख सुविधाओं के लिए लगाना है इसलिए। तो ये दोस्तों अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से वाकई में अच्छा कदम है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रूंगे कि दोस्तों पेटीएम कंपनी की तरफ से और एक बड़ा ऐलान किया गया, रोजाना 75,000 मजदूरों को भोजन कराएगी। इस NGO के साथ पेटीएम ने हाथ मिलाया, जहां डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम जो है ना, उसने इस बीमारी के संकट के
मौके पर विभिन्न शहरों में दिहाड़ी मजदूरों को भोजन कराने के लिए केवीएन फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाने की घोषणा की है। और कंपनी ने मंगलवार को एक बयान जारी करके कहा दोस्तों कि वह मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, नोएडा जैसे शहरों में रोजाना 75,000 मजदूरों को भोजन कराएगी। ये अच्छी बात है और साथ ही अगला अपडेट देख पाऊंगे कि दोस्तों लॉकडाउन में भी आप कार की खरीदारी कर पाएंगे। हुंडई कंपनी ने ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी है, सीधे आपके घर पर कार डिलीवरी की जाएगी। हुंडई की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। हुंडई कार्स ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए क्लिक टू बाय करके आप खरीद सकते हैं इसको। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने बैंक ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। 5 लाख रुपए तक का अब आप पर्सनल लोन ले पाएंगे। जहां देश में अभी जो बीमारी चल रही है इसके मद्देनजर दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया और पर्सनल लोन खुद के लिए बिना कोई बिजनेस के, बिना कोई मकान बनाने के बहाने, किसी के लिए नहीं दोस्तों, आप पर्सनल लोन ही 5 लाख रुपए तक का ले पाओगे। ये सुविधा शुरू कर दी है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रूंगे, मुंबई में भी दोस्तों फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया, नियम बना दिया। महाराष्ट्र में भी दोस्तों इस बीमारी के संक्रमण को तेजी से बढ़ते हुए देखते हुए बीएमसी ने सख्त फैसला लेते हुए सार्वजनिक जगहों पर सबके लिए मास्क लगवाना अनिवार्य कर दिया। मुंबई देश का पहला ऐसा शहर है जहां मास्क पहनना कंपलसरी किया गया, अच्छी बात है। और साथ ही वैसे दोस्तों आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर ही निकलें। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर दोस्तों, किसानों के संगठन को आसानी से मिलेगा 5 लाख रुपए लोन, मिलेंगी ये छूट। ये भी अच्छी खबर है दोस्तों, देश में जो अभी हालात चल रहे हैं इस दरमियान किसानों की मदद करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसानों के लिए भी पर्सनल लोन की सुविधा शुरू कर दी है। 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन तो ले ही पाएंगे, लेकिन किसान भी अपनी खेती बाड़ी के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। बैंक की ओर से बयान जारी करके कहा गया दोस्तों कि एक एसएचजी को कम से कम 30,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अधिक से अधिक लोन 1 लाख रुपए प्रति सदस्य है और इसे 24 महीने में आपको चुकाना होगा। और भी इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों कि केंद्र सरकार की तरह ही बिहार, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकार ने भी फैसला लिया, मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, विधायकों की सैलरी काटी जाएगी। इन सभी राज्यों ने सैलरी में 30% 15% तक की बिहार में कटौती करने का फैसला किया। उत्तराखंड सरकार ने भी फैसला किया, इनकी सैलरी में से 15-30% तक की कटौती की जाएगी और उन पैसों का इस्तेमाल गरीबों की स्कीमों के लिए किया जाएगा, अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रूंगी कि राज्यों को राहत मिली है। केंद्र सरकार ने 14,103 करोड़ रुपए का जीएसटी कंपनसेशन जारी कर दिया। इस बीमारी को खत्म करने के लिए राज्यों को राहत देने के लिए वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों के लिए 2 फेज में 34,000 करोड़ रुपए की राशि देने की प्लानिंग बनाई है। और सूत्रों के मुताबिक दोस्तों मंगलवार को राज्य सरकारों को 14,103 करोड़ रुपए भेजे जाने के साथ ही केंद्र ने राज्यों के अक्टूबर और नवंबर के जीएसटी मुआवजे के लगभग 34,000 करोड़ रुपए दे दिए। तो ये केंद्र सरकार की राज्य सरकारों को मदद है ताकि गरीबों तक ये डायरेक्ट मदद पहुंच सके। और साथ ही अगला अपडेट देख पाऊंगे दोस्तों कि हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने अपने सभी प्लांट में कामकाज रोक दिया। इस महीने के अंत तक सभी प्लांट्स भी बंद रहेंगे। और इसके अलावा भी अगला अपडेट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया दोस्तों। 13 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के 15 जिलों को पूरी तरह से सील कर दिया। कौन कौन से जिले शामिल हैं तो देख सकते हैं आप, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, आगरा, शामली, सरहानपुर। इसके अलावा मेरठ, बरेली, महाराजगंज, शामली, सीतापुर, सहारनपुर तो हो गया, बुलंदशहर, बस्ती, फिरोजाबाद, इन जिलों को पूरी तरह से सील कर दिया, क्योंकि ये ऐसे जिले हैं, ऐसी लोकेशन है जहां पर इस बीमारी के संक्रमण के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह फैसला किया है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टू डे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। और हां, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि दोस्तों अभी जो 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है हमारे देश में, ये किस तारीख को लागू हुआ था। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए दबा के, ताकि ये काम की इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच जाए। और अगर आप डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।